कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता। किसी में अधिक तो किसी में कुछ कम खामियां अवश्य होती है। गलतियां भी मनुष्यों से ही होती है। मनुष्य ने अपनी गलतियों से अवश्य सीखना चाहिए और वे दोहराई ना जाए, इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अगर आप गलत नहीं हो फिर भी गलत ठहराए जा रहे हो तो संयम रखें, अपने ईश्वर पर आस्था रखें। वह सब देख रहा है, आपके साथ न्याय अवश्य होगा। मनुष्य सदा ही सत्य एवं निष्कपटी रहे, क्योंकि ईश्वर के दरबार में इन दुर्गुणों को माफ नहीं किया जाता। मनुष्य में अन्य कोई भी दुर्गुण हो सद्गुरु संभाल लेंगे, और केवल संभालेंगे नहीं, उन दुर्गुणों से आपको मुक्त करने में आपकी सहायता भी करेंगे। अतः संपूर्ण देह मन बुद्धि इंद्रिय सद्गुरु चरणों में समर्पित कर दें। जब ऐसा समर्पण कर दोगे तब तुम्हारे समस्त कार्य सद्गुरु द्वारा ही किए जाएंगे और उनका भार भी सद्गुरु पर ही होगा। पाप कर्म करने से बचोगे। प्रेम और समर्पण के बिना की जाने वाली भक्ति भक्ति नहीं बल्कि पाखंड है, आडंबर है। प्रदर्शन वाली भक्ति को स्वार्थ कहते हैं, जो केवल पेट पालने के लिए की जाती है। सच्ची भक्ति के बिना सब कुछ व्यर्थ है। भक्ति का आधार प्रेम और समर्पण है, अतः प्रेम और समर्पण पूर्वक भक्ति करें, जिससे आपको उचित फल भी प्राप्त होगा और आपका कल्याण भी होगा। जैसे कील दीवार पर ठोकने के लिए उस पर हथौड़े का आघात करना पड़ता है, बीमारी से बचने के लिए कड़वी औषधि का सेवन करना पड़ता है, इसी तरह आपके जीवन में सब कुछ ठीक करने के लिए सद्गुरु भी लीला रचते हैं। कड़वे अनुभव आघात परीक्षाएं अवश्य होगी। समर्पण है तो सब पार करने के लिए ताकत भी मिलेगी, सद्गुरु हिम्मत देते हैं। अतः समर्पण आवश्यक है। स्वयं पर और अपने भगवान पर संपूर्ण विश्वास है तो कुछ भी असंभव नहीं, कभी हारोगे नहीं। जीवन का वास्तविक कल्याण होगा, जीवन सफल होगा। खुश रहो।